सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं शालिनी वर्मा सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नाभि से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय जिनको करके आप आसानी से अपने जीवन में बहुत चेंज ला सकते हैं। नाभि हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा, एक इम्पॉर्टेंट केंद्र है, साथ ही ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो नाभि में अगर कोई उपाय हम करते हैं तो उसका संचार हमारे शरीर में बहुत तेजी से होता है। तो नाभि के उपाय इसीलिए बहुत सटीक होते हैं और बहुत फास्ट रिजल्ट देते हैं। तो आज मैं आपको नाभि से जुड़े ही कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आप क्या क्या चीजें लगा सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में चेंज आए, वो बताने जा रही हूं। सबसे पहला उपाय, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी चीज में आप डरे डरे रहते हैं, कुछ करने से पहले आपके अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, आत्मबल नहीं है, तो अगर आत्मबल की कमी है तो रोज सुबह नहाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल लेके अपने नाभि में रेगुलर लगाना शुरू करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी जो आत्मिक शक्ति है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंट रहने के लिए रेगुलर लगाइए सरसों का तेल नाभि में। अगर हमेशा भी लगाते रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे उपाय हैं जिनको आप लंबे समय भी करते रहेंगे तो आपके शरीर में बेनिफिट ही होने वाला है उससे। तो आप सरसों का तेल कॉन्फिडेंस के लिए लगाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आप पर बुरी नजर रखता है, आपके काम पर बुरी नजर रखता है, आपके ऊपर किसी न तरह का जादू टोना करता रहता है, तब फिर आपको बचाव करने के लिए, वैसे भी किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, कैसा भी मैजिक अगर हमारे ऊपर हो रहा हो तो हनुमान जी से बढ़कर हमारे रक्षक कोई नहीं हो सकते। तो हनुमान जी की छत्र छाया हमें हर एक इन चीजों से बचा लेती है। तो आपको क्या करना है, हनुमान मंदिर से जो सिंदूर मिल जाए उस सिंदूर को लाकर अपनी नाभि में लगा के रखें। किसी भी तरह का कोई भी असर, गलत बुरी नियत से असर आपके ऊपर कभी भी नहीं हो सकता है। रेगुलर लगाइए, जब भी मंदिर जाए थोड़ा सा सिंदूर वहां से लेकर आए और उस सिंदूर को छटा भर अपने नाभि में रोज नहाने के बाद लगाना शुरू करिए, हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कि वो आपकी रक्षा करें। इस सिंदूर को रोज नाभि में लगाएंगे तो काफी जल्दी आपको राहत मिलेगी। कोई और कर तो पाएगा ही नहीं, लेकिन जो किया भी होगा वो हनुमान जी की के छूने भर मात्र से सब तरह की बुरी नजर, बुरी नियत, काला जादू सब दूर हो जाता है। तो आप ये उपाय बहुत सटीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर कि आप पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप धनवान बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति पैसे वाला बनना चाहता है कि उसके पास बहुत पैसा हो, तो अगर फाइनेंशियल कंडीशन में आप अच्छी नहीं है आपकी कंडीशन, तो आपको क्या करना है, कोई भी सुगंधित इत्र लेकर रोज अपनी नाभि में लगाना है। ज्यादातर हम गुलाब लगाते हैं, मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है गुलाब की खुशबू, तो जब भी धन को हमको, मनी को अट्रैक्ट करना हो तो हम गुलाब की थोड़ा सा इत्र लेके अपनी नाभि में लगाकर रखते हैं। गुलाब नहीं मिलता है तो परेशान ना हो, कोई भी अच्छी सुगंधित इत्र लगा के रखें। सुगंधित इत्र से मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। मैंने कहा बहुत बड़ा ऊर्जा का केंद्र है आपका नाभि, तो जब वो ऊर्जा केंद्र आपका सक्रिय होने लगता है ना, तो अपने आप जीवन में सब चीजें अपने आप खींच कर आती हैं। तो जब भी पैसों की प्रॉब्लम हो, पैसों को अट्रैक्ट करना हो, तो नाभि में सुगंधित कोई भी इत्र खुशबू लगाना, इत्र ही लगाएं, परफ्यूम ना लगाएं, इत्र जो ऑयल आता है एसेंशियल ऑयल, आप वो हल्का सा बहुत जरा सा लगाना होता है वो लगाना आप शुरू कर। तो ये तीन चीजें हो गई पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए भी। चौथी चीज, अगर समाज में आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, ऑफिस में आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, हर व्यक्ति इज्जत की चाहत रखता है, अगर मान सम्मान नहीं मिलता है तो आपको इत्र जो लगाना है वो है चंदन का। या तो चंदन का इत्र लगा के नाभि में रखें, या फिर थोड़ा सा चंदन को घिस के आप वैसे भी नाभि में लगा के रख सकते हैं। इसके दो फायदे होंगे, पहला तो ये कि समाज में आपको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, लोग आपकी बात को जानेंगे, पूछेंगे, परखेंगे आपको। इसके अलावा अगर शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा है आपको, मतलब किसी भी कारण से, वैसे भी समर चल रहा है तो बहुत सारे लोगों को गर्मी में जब निकलना होता है तो हीट स्ट्रोक भी होता है, शरीर में गर्मी, खुजली, जलन ये सब होने लगती है, तो नाभि में चंदन का इत्र लगाने से शरीर की गर्मी में भी आपको राहत आएगी। तो ये भी उपाय करके आप समाज में भी वो मान सम्मान पा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। इसके अलावा अब एक उपाय आपको बताने जा रही हूं, अगर
किसी व्यक्ति को आप चाहते हैं और वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, तो किसी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए आप नाभि में क्या लगाएं? आप मोगरे की खुशबू लगा के रख सकते हैं, या जो और कोई खुशबू भी आपको पसंद आया वो भी लगा सकते हैं। मतलब एक सुगंधित इत्र जो आपको बहुत पसंद हो, आप वो इत्र अपने नाभि में लगाएं, उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए लगाएं। इस उपाय को याद रखिएगा, उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए लगाएं जिसको कि आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। उसका ध्यान करते हुए यहां पर नाभि पे अपनी उंगली रखें और 3 बार उसका नाम लें, 3 बार उस व्यक्ति का नाम लें, और नाम लेते लेते नाभि पे वो इत्र आपको लगा लेनी है। रोज आप ये उपाय करना शुरू करिए। कैसा भी व्यक्ति होगा, चाहे आपको बिल्कुल ना पसंद करता हो, पर आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। ये बहुत ही अचूक उपाय है। किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। सुगंधित इत्र उस व्यक्ति का नाम सोचते हुए 3 बार यहाँ पे हाथ रख के आपको लगाना है, और रोज नियमित लगाइए जब तक कि आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिल जाते हैं। तो साथियों, ये है नाभि से जुड़े हुए छोटे छोटे उपाय। कौन कौन सा इत्र लगाकर, कौन सा तेल लगाकर, या क्या लगाकर आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। मैं शालिनी वर्मा अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोग पसंद करेंगे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करेंगे। अगले वीडियो में मैं शालिनी फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।